सर दे दो सर, बहुत भूख लगी है। भिखारी को कुछ दे दो सर, बहुत भूख लगी है। तुम लोगों के सुबह सुबह और कोई काम नहीं है? मुझे तो ऐसा लगता है आज पूरा दिन थारा कंदन फादर के सामने भीख मांगना पड़ेगा। हट। दीदी दीदी, दो दिन हो गया मुझे खाना खाए हुए, कुछ तो दे दो खाने को। दीदी हटो, बाद में आना। हटो, वो क्या है ना सर, मुझे कब आना है मुझे फोन करके बता देना, समझ गए ना? मैं आपको अपना नंबर देता हूँ, 9846। बस बस बस, इसके मौसा का नंबर चला। क्या रे, इंसानों को देखा नहीं है क्या तू? है ऐसे भिखारी भूख लगाए बोल के मुझसे कल 1 रुपया मांगा। मैंने पूछा 1 रुपये में क्या मिलेगा, उसने बोला 2 दिन से चाइनीज नहीं खाया तो कितना वजन कम हुआ वो चेक करना है मेरे को। वो क्या है ना, मैं बहुत कमजोर हो गया। कमाल के भिखारी है यार। कैसे हंस रही है मेरी जान। सबके सामने किस कर रहा है, कैसा जमाना आ गया ये भगवान। अभी कोचे हट, तू यही मिलेगा मुझे मालूम था। प्रोग्राम के लिए आया नहीं, तू यहाँ आ गया सुबह सुबह। कोई और काम नहीं था? अगर सुबह नहीं आता तो ये सुनहरा पल मिस कर देता ना, मैं क्या करूँ। मैंने 100 बार तुझे बोला है कपड़े बदलते टाइम दरवाजा लगाया कर, दरवाजा बंद करके कपड़े बदलू, लड़की नहीं हूँ मैं। मूड खराब हो गया सुन। अरे तू तो लड़की की भेष में है, लेकिन जब तू कपड़े उतारता है ना तो मेरा टेम्परेचर और हाई हो जाता है। ये टेम्परेचर दूर कर, अब मैं इसका क्या करूं? ये रख ले, नारियल का वच है, पता नहीं किसका मुंह देखा था आज। मैं ऐसा नहीं हूँ यार। नहीं 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 नहीं, इस महीने हर दिन प्रोग्राम है। नो प्रॉब्लम, हर दिन प्रोग्राम है फिर भी आइटम्स कम नहीं होंगे। ओके ओके ओके, बंदोबस्त करती हूँ। सुबह सुबह फोन करके किसको पका रही हो सिक्की बेबी? लड़कियों की आवाज सुनकर कई बेवकूफ फोन ही नहीं रखते हैं, एक के बाद एक बात पूछते रहते हैं। कैसे नहीं पूछेंगे, तुम्हारी कोयल जैसी बोली सुन के कोई मर्द अपना फोन रख भी कैसे सकता है। हाँ हाँ हा, कलाम भाई के लोग हैं सब। वो तो मेरे लोग हैं, इसलिए तुम्हें लॉलीपॉट पर घूमने का मौका मिल जाता है। ये है कल के प्रोग्राम का हिसाब किताब और बैलेंस। क्या है ये, कलाम भाई की खुद की गाड़ी का पेट्रोल भी इसमें लिखा है। फादर पूछेंगे तो क्या बोलूं मैं? तुम वो फर्स्ट लिस्ट वाले फादर को मत दिखाओ। ना 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 ना, झूठ में बिल्कुल नहीं बोलूंगी। आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। मेरी डार्लिंग है ना सिक्की बेबी। डार्लिंग नहीं, नैनीताल। फादर ये सुनेंगे तो उसी वक्त हम दोनों को डिसमिस कर देंगे, पता है। मैं इस्लाम तुम क्रिश्चियन, और हमारे इस लव जिहाद के चलते फादर हमें यहाँ से निकालेंगे, तो पता है ना तुझे, फादर लंगड़ाते हुए प्रार्थना करेंगे। ओहो, तो ये है तुम्हारा प्लान। देखो ये चैप्टर यही खत्म करते हैं। सुनो, फादर मेरे महान देवता है। तो मैं कौन हूँ, महान व्यक्ति हूँ क्या? महान व्यक्ति नहीं, तुम तो बहुत बड़े बड़े गधे हो। सुनो, फादर की 60वीं सालगिरह मनाने का प्लान करने प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी सभी आए हैं, आप भी चलो। आप लोग चाहे जो कुछ भी डिसाइड करें, मैं लेकिन 1 रुपया भी बढ़ाने वाला नहीं हूँ। ये सब मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ ये मैं और मेरे भगवान ही जानते हैं। सुबह प्रार्थना किया तब भगवान ने मुझसे बोला कि पैसा बढ़ाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे फादर को हो तो बताओ। साइलेंस साइलेंस, तुम लोगों को एक सच्चाई बताता हूँ, चिलचिलाती गर्मी में 3 किलोमीटर तक चल के मैं जलता हुआ यहाँ पे आता हूँ। आप एक बार सोच के देखिए, और मेरे ट्रूप का मैनेजर ये कैसे आता है एक महंगी गाड़ी में, मेरे पीठ पीछे दूसरा प्रोग्राम करके पैसा कमा के कार खरीद लेते हैं ये लोग। मेरे प्यारे फादर, मैं झोल नहीं करता हूँ, मुझ पर भरोसा करिए। मुझे तुम पर भरोसा? देखा सच है। हेलो हेलो कलाम जी। हाँ मैं हूँ राजन। बॉम्बे में जो दूसरा शो किया था फादर को पता लगा? 14 तारीख को अंगा मले के शो के बाद बेंगलोर चले तो कैसा रहेगा? चल
चलेगा उसमें क्या? फादर को तो नहीं पता चलेगा ना। मेरे राजा, वो तो यहाँ पे बस यूनिफॉर्म पहन के बैठे रहते हैं। यहाँ सब कुछ डिसाइड करने वाला तो मैं हूँ। काला दर्जना पूरा खा जाएगा तू। मजाक मत कर। सुनो, फादर आ रहे हैं, तुम फोन रखो। सुन रे बेवकूफ, तुम लोगों का सारा झोल मुझे पता है, लेकिन अपने दिल का दर्द किसे बताऊं मैं? हाँ, सलमान को बताऊं या शाहरुख को बताऊं या कुछ साल पहले यहाँ से पास हुए पंकज त्रिपाठी को, या तुझे बताऊं? नहीं फादर, आप कुछ भी कर सकते हो। गलती हो गई। सभी को बता रहा हूँ, अगर सब लोग यहाँ से चले भी गए ना, तो मैं अपना यूनिफॉर्म हटा करके खुद स्टेज पे चला जाऊंगा। हाँ सर, अब आगे क्या है बताओ। फादर। हाँ बोलो। ये आने वाली 12 अगस्त को आप 60 साल के हो जाएंगे, ये सभी को पता चलना चाहिए ना। हाँ फादर, आपके 60 एनिवर्सरी को पार्टी शार्टी करके 100 साल जैसा मनाएंगे। गाँव वालों के सामने मुझे बुढ़ा बता के मेरे नाम पे पार्टी करके मौज मस्ती दारू पी के चौड़े में चलोगे? नहीं चाहिए। सही कहा। नहीं चाहिए। 60 साल के गाँव वालों को पता चला तो फादर की इज्जत का क्या, उसके लिए हम एक डिस्काउंट देते हैं। फादर, हम थोड़ा नीचे जाके वो गोल्डन जुबली के नाम पे पार्टी करते हैं। बेटा तू जरा इधर आ। जी बिल्कुल। तुम तो पच्चालम पापचंद के बेटा हो ना। हाँ, तुम्हारे दिमाग का बोझ बहुत ज्यादा है, इसलिए बाप की तरह छोटे ही रह गए तुम, समझ रहे हो? हाइट सिर्फ 3 फीट की है और दिमाग देखो कितना चलाता है। फादर चिंता मत करो, क्या है ना, पार्टी के लिए स्पॉन्सर हम ढूंढ लेंगे, पर 10 रुपए खर्च मत करना। अगर तुम लोगों को जरूरत है तो तुम लोग करो, लेकिन उसके नाम पे बेकार में क्यों करना? अरे हम बेकार नहीं है फादर, बेकरार हैं। और एक बात, पार्टी के वक्त हमारे पुराने कलाकार उन्नी, सुब्बू और मनोज को बुलाना मत भूलना। हाँ, उनके बिना पार्टी का क्या, तो आज शाम का क्या इंतजाम है? तू क्या मोहनलाल की एक्टिंग कर रहा है क्या? सभी को बुलाया था फादर मैंने। दुबई से उन्नी जिम्मी आएगा, बैंगलोर से मनोज भी आएगा, लेकिन साबू को अमेरिका से आने के लिए छुट्टी नहीं मिली। क्यों? उसको ओबामा खा गया क्या? तो प्रेसिडेंट जी, फादर मान गए हैं, पार्टी की शान बढ़ानी है, चलो प्लान करते हैं। हाँ, चले, चले। पीके नाचते हैं, पीके नाचते हैं। हाँ वही मैं भी बोल रहा हूँ। फादर अपने बर्थडे पर मस्त हीरो बन के स्टेज पे आना, सब लोग देखते रह जाएंगे। ये बाल भी काले कर लेना, मुंह पे फेसियल लगा के सब ठीक करवा लेना। ओके, चलती हूँ। आइए। मैं सच बता रही हूँ सर, फादर थारकंदम मर गए हैं, अभी वो हॉस्पिटल में है, सब भगवान का खेल है। अरे हट जा रे, सब बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। कुछ पता लगा टीचर? पता लगा क्या? क्या? हमारे फादर मर गए टीचर। क्या हुआ? क्या फादर मर गए? तुमको ये किसने बोला? सिटी फोन पे बोल रही थी, मैंने अपने कानों से सुना टीचर। बॉडी हॉस्पिटल में, अभी आओ आओ आओ, फादर मर गए। आओ, जाओ, चलो, जाओ, चलो चलो चलो। अरे मर गई, आ जाओ तुम, आ जाओ। फादर, उनके सिवा मेरा कौन है? ये क्या खबर देता है तू? बात पक्की है ना? अब तू भी मेरे सहारा हो। यहाँ तो फादर की बॉडी ओडी दिखाई नहीं दे रही है। टीचर, फादर की बॉडी यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। हॉस्पिटल बदल क्या क्या पहुँचेगी? अरे यमराज जाके देखना। अरे धीरे धीरे खींचो भाई, अभी रात में खींचा। पता नहीं फादर कहाँ पर मरा होगा, अब यहाँ पर हम उसे कहाँ ढूंढें? अरे यमराज आ रहे हैं। फादर, फादर, मेरे प्यारे फादर। रोइए मत टीचर, रोने से आपको क्या फायदा होगा, आप रोएंगे तो मैं भी रोऊंगा। रोइए मत टीचर, चुप हो जाइए, रो के क्या फायदा, आपको देख के मुझे भी रोना आ रहा है, ऐसा मैंने सोचा नहीं था कभी टीचर। ये तो ऊपर वाले ने बुलाया है। ऊपर से क्या बुलाने की जरूरत है, बाबूजी से बुलाओ। अरे अरे बाप रे, बचाओ, अरे रोको डॉक्टर।
मैं जाता हूँ। अरे रुक जाओ, अरे रुको। क्या नाम है? गौमती। नाइस नेम, मुझे पसंद आ गया। सच में? और मुझे मजा आ गया। हमारा स्टेशन आ गया। ये आपके लिए, वो नंबर देना। यात्रा बहुत बढ़िया थी। तुम लोग यहाँ पर हो, फादर की लाश वहाँ पर है। चलो चल चल चल। अरे मेरे फादर कुछ नहीं बोल रहे। मेरे प्यारे फादर, एक कॉलेज में प्रोग्राम के बीच एक खबर पता चली, तुम तो ही प्रोग्राम बंद करके वही ड्रेस में भाग आए हम तो। फादर 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 के जाने के बाद काला दर्जन मेरे नाम पर करोगे? यही कल से सपना देख रहा था मैं। मर के नरक में जाने से पहले ऐसा पुण्य काम कर सकते थे ना। हम आपको बुला रहे हैं। अरे इतना बुला रहे हैं, एक बार तो उठ जाओ। फादर ने मुझको बोला था उनके मरने के बाद विरासत मुझे मिलेगी। वो कहाँ मिलेगा? बकवास मत करो, समझे? अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, वो मुझे ही देंगे क्योंकि वो सबसे ज्यादा मुझे ही प्यार करते थे। चुप रहो, कुछ भी हो फादर ने कम से कम एक शेयर तो मेरे नाम किया ही होगा। शेयर? हाँ तुम सबको मिलेगा। फादर नहीं मरे, मैं मर गया हूँ सोच के हार ला करके खुशी मना रहे हो तुम लोग। मैं सब कुछ सुन रहा था, किसने बोला कि मैं मर गया था? मैंने नहीं, ये सिटी ने बोला। My God, मैंने झूठ बोलेगा तो बहुत मारूंगी। ये सिटी फोन पे बोल रही थी, मैंने सुना फादर इज डेड इन हॉस्पिटल, ऐसा मैंने अपने कानों से सुना। तो तुमने मेरी मौत की खबर फैलाई है? नहीं फादर, मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने बोला कि फादर डाई लगा के एलर्जी की वजह से हॉस्पिटल में है। डाई का मतलब मर गया, ऐसा इस गधे ने सोचा। इंग्लिश नहीं आती ना इसको, स्पेलिंग मिस्टेक है। वही, तुम्हारे जैसे लोगों को मेरे साथ रखना स्पेलिंग मिस्टेक है। पहले तुम लोग अच्छे से हिंदी सीख जाओ, उसके बाद तुम लोग फॉरनर बनना। बेकार में ही सपना देखा, ऐसी उम्मीद कभी होनी ही नहीं चाहिए। तू क्या बोल रहा है कलाम बेटा? ऐसा सब हो गया है तो ये हार किसके खाते में लिखूं फादर? इधर आ, वो मेरी मैयत के खाते में लिख दो। है ओह ठीक है, अभी ठीक हुआ। चलो सब लोग, फादर की मरने की इच्छा ही नहीं है। चलो यहाँ से, लग की खबर उड़ा के सब लोग इधर से उधर ले आते हैं। चलो फादर मर गए पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया। शो बहुत बढ़िया था। वैसे तुम तीनों से छोटी छोटी गलतियाँ तो हुई लेकिन उससे परफॉर्मेंस पे कोई असर नहीं पड़ा। मुझे बहुत शांति मिली बच्चों, तुम सब मेरे पास हो तो तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी मिल रही बता नहीं पा रहा हूँ। लेकिन तुम लोग अब जल्दी जाने वाले हो बोले तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो फादर आपसे मिलने के लिए कुछ लोग बाहर आए हैं, आप उनसे मिलो, हम लोग बाद में मिलेंगे, ठीक है? एक्सक्यूज मी फादर, हैप्पी बर्थडे एंड कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। वैसे आप कौन, पहचान नहीं पाया? मुझे नहीं पहचाना, मैं वो पाला थिंकल। पाला थिंकल, वो कौन है, कहाँ से है? मैं बताता हूँ फादर, जोसेफ पाला थिंकल, याद नहीं? म्यूजिक कॉलेज में आपने मुझे सिखाया है, याद नहीं आया? चटनी वाला, मुझे आपने ही चिढ़ाया था ना ये नाम से, याद आया? ओहो चटनी वाला याद आ गया, जो कुट्टी पाला थिंकल अभी याद आया। बेटा तुम तो बहुत आगे निकल गए हैं, अभी कहाँ हो? मैं अभी विजूर सेंट्रल जेल में हूँ। हे भगवान, बेटा जोस कुट्टी ऐसा क्या किया कि तुम्हें जेल जाना पड़ा? वो फादर मैं, नहीं कुछ मत बोलो, सच बोलो, सच बताओ कि तुमने क्या गुनाह किया है? उस वक्त मैंने तुम्हें बहुत समझाया था लेकिन तुमने सुना ही नहीं, पैरोल लेके मुझसे मिलने के लिए आए होंगे। तुम आओ। फादर मैं विजूर सेंट्रल जेल का सुपरिंटेंडेंट हूँ, जेल सुपरिंटेंडेंट। मैंने तो तुम्हें गलत समझा, सॉरी। हाँ कोई बात नहीं फादर, शो बढ़िया था, स्पेशली इनकी मिमिक्री काफी अच्छी थी। थैंक यू सर। तुम लोगों का प्रोग्राम देखकर लगा कि इंडिपेंडेंस डे पे मिमिक्री, खास करके उन्नी जिम्मी मनोज का एक स्किट ऐड करने की इच्छा है। आइडिया अच्छा है ना? उस दिन और कुछ बुकिंग तो नहीं है ना?
बुकिंग तो नहीं है, लेकिन एक दिक्कत है, ये लोग दुबई और बेंगलुरु से मेरा 60वां जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ आए हैं, समझे? इनके साथ प्रोग्राम करना बहुत मुश्किल है। फादर, ये लोग हैं सिर्फ इसलिए मैंने शो तय किया है। इनको अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे तो खुशी ही होगी। क्या बोलते हो नी, इस जोश कुटी की इच्छा पूरी कर सकते हो क्या? तुम लोग क्या बोलते हो? फादर का एक स्टूडेंट ऐसा आके बोलेगा तो हम कैसे मना कर सकते हैं? क्यों जिमी, मना कर सकते हैं? जैसा फादर चाहे। भगवान तुम सबका भला करे, तुम लोग जरूर कामयाब होगे।